अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिश शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज हम आपको डेमो दिखाने जा रहे हैं सर्जिकल बिजनेस के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, जिसमें तमाम चीजें आप अपनी मैनेज कर सकते हैं, अपने कस्टमर से लेके अपने वेंडर्स, आइटम्स, परचेज, सेल, इन्वेंट्री, अकाउंट्स, तमाम चीजें। आइए स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लॉग इन फॉर्म। यहाँ पर आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं, हर यूजर को परमिशन दे सकते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई यूजर कोई चीज डिलीट ना कर सके, कोई एडिट ना कर सके, या आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक ना कर सके। एडमिन से यहां से हम इसको लॉगिन करेंगे। यह आ गया हमारा मेन मेन्यू, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर न्यू कस्टमर्स, वेंडर्स, एड आइटम, परचेज बिल, सेल बिल, डेली एक्सपेंस बुक, और ये कुछ डैशबोर्ड चल रहा है जो डेली आपको बता रहा होगा आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। लाइक आपका कैश एंड बैंक क्या चल रहा है, आपके रिसीवेबल्स मार्केट में कितने हैं, पेएबल्स कितने हैं, तमाम चीजें यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। फिलहाल के लिए हम इसको क्लियर ट्रांजेक्शन कर देते हैं, ताकि जो है वो हम आपको पूरा चला के दिखा सकें। सबसे पहले हम आते हैं ऐड न्यू आइटम्स। यहाँ पर आपने तमाम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। अब मैंने ऐड का बटन दबाया, यहाँ पे मैंने डाल दिया सर्जिकल आइटम, इसको हमने सेव कर दिया। अब इसके अंदर हम सब कैटेगरी बनाते हैं। सब कैटेगरी में फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर की मशीन होती हैं, या इसके अलावा और बहुत सारे आइटम होते हैं, वो आप अपनी अब मर्जी के यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हैं। अब इसके अंदर ब्लड प्रेशर की मशीन के अंदर मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे मुझे डालना है फॉर एग्जाम्पल बीपी, इसके आगे मॉडल नंबर डाल दूंगा, किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है। परचेज बिल मैं यहाँ डाल दूंगा, 1200 रुपये की परचेजिंग है और 4000 रुपये की सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर आपके पास आता है रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी अगर आपका स्टॉक खत्म होने वाला होता है तो आपको अलर्ट आ जाता है कि आप दोबारा रीऑर्डर करें, तो वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। इसको हमने सेव कर दिया, यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेव हो गया। इस तरह से आप अपनी मर्जी की जितनी भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहे, अपनी दुकान की, अपनी शॉप की तमाम इन्वेंट्री आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है न्यू कस्टमर, वेंडर्स। अब फॉर एग्जाम्पल हमें परचेजिंग डालनी है, तो उससे पहले हम वेंडर ऐड कर देंगे कि किससे हम स्टॉक ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब दो किस्म के वेंडर होते हैं, कैश वेंडर होता है, क्रेडिट वेंडर होता है, जिससे आप उधार में डील करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो तमाम वेंडर्स अपने ऐड कर देते हैं। ऐड यहाँ से सिंपल ऐड करेंगे, वेंडर का नाम लिखेंगे। फॉर मैंने कर दिया फुरकान, ये मेरे पास वेंडर ऐड हो गया। इस तरह जितने आप वेंडर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा परचेज में देख सकते हैं, परचेज ऑर्डर भी आप बना सकते हैं, परचेज सेल टैक्स इनवॉइस भी बना सकते हैं, नॉन टैक्स इनवॉइस भी बना सकते हैं, परचेज रिटर्न्स भी आप ले सकते हैं, या किसी को पेमेंट करनी है पार्टी को, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, तो वो तमाम ऑप्शन भी आपके पास होते हैं। अब हम डायरेक्ट परचेज बिल में आते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया कि हम किससे परचेज कर रहे हैं। अभी हमने वेंडर ऐड किया फुरकान, तो वो हमारे पास आ जाता है। ये सेव नहीं हुआ सही से, इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, वेंडर का प्रीवियस बैलेंस भी आपको नजर आ रहा होगा। लाइक अगर आपको कुछ पैसे देने होंगे तो वो भी शो होंगे। अभी पहली इनवॉइस बन रही है, इसलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है। इसके बाद वेंडर इनवॉइस नंबर आ गया। अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने डाला था अभी आइटम बीपी। अब हमारे पास देखें हिस्ट्री आ रही है कि अभी इसको हमारे पास जीरो पीस पड़ा हुआ है। अब कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं, समझ लें 5 पीस हमने ऑर्डर कर लिए, 1200 के हिसाब से 6000 का टोटल बिल बन गया। 6000 का बिल बन गया। अब इसके अंदर अमाउंट पे कितनी करनी है, यानी अगर आप वेंडर को पेमेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 रुपये पे कर दिए, बकाया 4000 रुपये जो है वो ये वेंडर के लेजर में ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप स्टॉक की लोकेशन भी बता सकते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पर आप, यानी अगर आपके फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल वेयरहाउसेज है या मल्टीपल आउटलेट्स हैं, तो उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। अभी मैंने बता दिया कि मेरा स्टॉक आ रहा है फॉर एग्जाम्पल गोडाउन में, तो ये गोडाउन में मेरा स्टॉक चला जाएगा। इसको जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरी एक परचेज इनवॉइस प्रिंट हो जाती है। ऊपर आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, किस वेंडर से आपने स्टॉक लिया, वेंडर इनवॉइस नंबर क्या है, कितने पीस आपने लिए, यानी कि तमाम पूरी आपकी इनवॉइस की डिटेल आ जाती है। इसको आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट पीडीएफ में करना चाहें, या प्रिंट आप व्हाट्सअप करना चाहें तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप भी पार्टी को कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ रिपोर्ट्स में। इन्वेंट्री बैलेंस डिस्प्ले किया मैंने यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 5 क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है स्टॉक की, आउट अभी तक 0 है, यानी कोई चीज हमने सेल नहीं की है, और 5 हमारे पास क्लोथिंग बैलेंस में पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मुझे कैटेगरी वाइज स्टॉक देखना है, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज स्टॉक देख सकता हूँ कि मुझे इसके ब्लड प्रेशर मशीन का देखना है, या मुझे कोई और आइटम का देखना है, या लोकेशन वाइज मुझे स्टॉक को ट्रैक करना है, डेट वाइज ट्रैक करना है, यानी मल्टीपल फिल्टर हमने इसमें डाले हुए, उस हिसाब से जो है वो आपका ये बताता रहेगा।
इसके बाद हमारे पास सेल्स के अंदर हम अगर आते हैं तो कोटेशन बनाने का ऑप्शन है, सेल्स ऑर्डर बनाने का ऑप्शन है, डिलीवरी चालान बना सकते हैं आप, सेल टैक्स इनवाइस बना सकते हैं, नॉन टैक्स इनवाइस बना सकते हैं, सेल्स रिटर्न अगर आपके पास आ रही है वो आप डाल सकते हैं, पेमेंट्स अगर आपके पास आ रही है तो वो आप इसमें बैंक पेमेंट कैश पेमेंट दोनों ऑप्शन है। यहाँ से हम सिंपल शॉर्टकट सेल बिल पे जाते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल किस कस्टमर को बेच रहे हैं उसका कस्टमर का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड भी आप डाल सकते हैं, न्यू कस्टमर में यहाँ पे देख सकते हैं आप तमाम हमने ऐड किया हुआ है, आप अपनी मर्जी का जो भी कस्टमर डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने खान मेडिकोज को दे रहा हूँ मैं मशीन, कौन सी दे रहा हूँ मैंने बता दिया बीपी ये वाली मशीन है, 5 पीस पड़े हुए, 2 पीस मैंने दे दिए 4000 के हिसाब से, 8000 का बिल बन गया, 8000 रुपये फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसीव, बल्कि मैंने 2000 या 3000 मैंने रिसीव कर लिए ताकि मैं आपको लेजर भी दिखा सकूँ, 5000 मेरा इसका बैलेंस हो गया, इसको प्रिंट करूंगा, ये हमारे पास सेल इनवॉइस आ जाती है। ये ऊपर आपके हेडर डाल रहे होंगे और ये पूरी इस तरह का इनवॉइस, और इनवॉइस का फॉर्मेट भी आप अपनी मर्जी का भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं रिपोर्टिंग की तरफ आता हूँ। रिपोर्ट्स में आ गया, मैंने आपको सबसे पहले इन्वेंट्री की बैलेंस दिखाता हूँ। ये देखें 5 पीस हमारे पास थे, 2 हमने सेल कर दिए, बकाया हमारे पास 3 क्वांटिटी रह गई। ऑटोमेटिक इन्वेंट्री की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कम हो गई। इसके साथ साथ जो है वो डबल क्लिक करूंगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, किससे हमने लिए थे, किसको हमने बेचा और कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। इसको प्रिंट करूंगा तो ये वो प्रिंट आ जाएगा। इसी के साथ साथ पीरियड वाइज स्टॉक देखते हैं तो पीरियड वाइज भी हम देख सकते हैं। इसके साथ हम आते हैं आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमें आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ पर हमें पता चल रहा होगा ये ब्लड प्रेशर की मशीन थी, टोटल 2 क्वांटिटी हमने सेल की, इस पर हमें 5600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। पीरियड वाइज प्रॉफिट देखना है, पीरियड वाइज भी प्रॉफिट देख सकते हैं, कस्टमर वाइज देखना है या कैटेगरी वाइज देखना है, यानी तमाम फिल्टर इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ हम सेल्स पे आते हैं, यानी सेल्स के आपको टोटल रिपोर्ट देखनी है, पूरे मंथ की क्या सेल हुई है, पीरियड वाइज आपकी क्या सेल हो रही है, कस्टमर वाइज क्या सेल हो रही है, या कैश और क्रेडिट की कितनी सेल हो रही है, तो वो चीज भी इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं। परचेजिंग की तमाम रिपोर्ट्स हैं, यानी परचेज समरी है, परचेज रजिस्टर है, पूरे मंथ में हमने किस वेंडर से कितना स्टॉक खरीदा है उसकी तमाम रिपोर्ट आ जाती है, उसकी तमाम डिटेल आ जाती है। डेट वाइज आपको परचेजिंग देखनी है, टोटल वैल्यूएशन यानी आपके पास इस वक्त शॉप में कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपको पता चल रहा होगा, यानी कि एक सिंपल आपका बिजनेस कंप्यूटराइज हो जाता है और आपको हर चीज का रिकॉर्ड सिंगल क्लिक्स पे मिल रहा होता है। अब लेजर में अगर मैं आता हूँ, जो मेरा वेंडर है उसका मुझे लेजर देखना है, तो उसका पूरा लेजर आ रहा होगा कि 6000 का बिल था, 2000 रुपये हमने जो है वो रिसीव कर लिए, बकाया 4000 रुपये रहेगा। प्रिंट करूंगा तो ये पूरा पार्टी का लेजर भी प्रिंट हो जाएगा। इसी के साथ साथ फर्दर रिपोर्ट्स इसमें बनी हुई है, अकाउंट लेजर है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, कस्टमर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, यानी आपको ये पता चल रहा होगा कि मार्केट में आपने कितने लोगों को उधार में माल दिया हुआ है, कितने लोगों से आपको पेमेंट है लेनी है। इसके साथ साथ हमारे पास वेंडर की लिस्ट आ जाती है कि आपको पेमेंट है देनी कितने लोगों को है, वो आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। कंप्लीट हमारा जो है वो ईआरपी सॉफ्टवेयर बना हुआ है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर समझ आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आई एम हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैसे चला?